हरि ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, क्यों जिंदगी आपकी बदल जाएगी, क्योंकि उस ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जिस ग्रह के परिवर्तन से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता है और हर एक व्यक्ति उस ग्रह को खुश करने में लगा होता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र जो इस कलयुग में बड़े प्रभावी ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र किन चीजों के अधिपति हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्र प्रेम के अधिपति हैं। शुक्र हर एक वो चीज जो लग्जरी में आ सकती है, हर एक वो चीज जो हम संसार में देखते हैं, किस व्यक्ति के पास ये है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, और उसके जीवन में चाहे दाम्पत्य जीवन की हम बात करें, चाहे लव लाइफ की आप बात कर ले, चाहे हर एक व्यक्ति जो आज के समय में आप जानते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। और यदि आप सुंदर दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग, बहुत लोगों कि ये कामना होती है कि लोग हमसे प्रभावित हों, हमसे आकर्षित हों, तो ये सब शुक्र के प्रभाव से होता है। व्यक्ति फिट रहना चाहता है, व्यक्ति अपने जीवन में यदि चाहता है कि हमारे पास हर एक वो चीज हो जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े जैसे फिल्मी स्टार हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, उनके पास इतना सब कुछ स्टारडम रहता है, ये सब शुक्र का ही प्रभाव दिखता है। चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में आजकल लोग सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, फिल्म देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये शुक्र का प्रभाव है। आप अपने मैरिज लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, आपके मैरिज लाइफ में या लव लाइफ में समस्याएं चल रही, बात भी आज चल रहा है, तलाक की स्थिति बन रही है, तो ये सब शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। हर एक ग्रह का अपना अपना प्रभाव है, परंतु विशेषकर इन सब क्षेत्रों में शुक्र का प्रभाव देखा जाता है। इसलिए वो शुक्र अब अपना परिवर्तन 19 सितंबर को करने जा रहे हैं अपनी ही राशि तुला राशि में, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत विशेष होने वाला है। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, अपनी स्वराशि में होता है तो वो प्रभाव बहुत विशेष देता है और पूर्ण रूप से फल देता है। इसलिए आपके ही राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति शुक्र की हम चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्र को, ये शुक्र का ये जो परिवर्तन है 19 सितंबर को होगा और फिर 12 अक्टूबर तक यहां पर रहेंगे, तो इसके बीच में शुक्र का क्या प्रभाव होगा, हम मात्र शुक्र की चर्चा कर रहे हैं। और एक चीज और भी बता दूं कि शुक्र का ये जो परिवर्तन है, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये शुक्र पूर्ण रूप से यहां वहां से बाधित नहीं है। यानी कि जैसे कई बार जैसे राहु की दृष्टि हो गई, शनि की दृष्टि हो गई, ऐसे ग्रहों की दृष्टि होने से कई बार जो फलादेश होता है उसमें बदलाव या हमें जो अच्छे फल मिल रहे होते हैं उसमें कमी आ जाती है, परंतु शुक्र किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है। हाँ, चंद्रमा से दृष्ट अवश्य होंगे, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन सवादों दिन में होता ही रहता है, तो चंद्रमा से जरूर दृष्ट होंगे बीच बीच में, परंतु अभी फिलहाल नहीं है। अभी ये जैसे ही मेष राशि में आने वाले हैं चंद्रमा, तो वैसे ही चंद्रमा से ये दृष्ट हो जाएंगे 20 तारीख से। तो चंद्रमा का, क्योंकि सवा दो दिन का समय होता है, इसलिए हम इसमें नहीं देख रहे हैं। तो आइए समझते हैं इन सब का प्रभाव क्या आपको मिलने वाला, ये समझ लेते हैं। ये समय जो है आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, आपके जीवन में वो सब सुख देने वाला जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। शुक्र आपके जीवन में इस समय क्रिएटिविटी भी लाएंगे, आप अपने जीवन में नई नई चीजें सीखेंगे भी, करेंगे भी, और उनसे लाभ भी लेंगे। ये समय होगा जिस समय आपको धन लाभ की स्थिति भी बनेगी और आपके जो शत्रु हैं वो भी आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और आपके मित्र बनेंगे। आप अपने जीवन में कर्ज को लेकर परेशान थे, उससे भी मुक्ति
कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। यदि आप रोगों से पीड़ित थे तो रोगों से भी बाहर निकलने के लिए शुक्र आपकी हेल्प करने वाले। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है या खासकर देखा जाए कि मैरिज लाइफ से संबंधित कोर्ट कचहरी का मामला हो या आपके लव लाइफ से संबंधित हो या शुक्र के जितने भी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, है ना, डेयरी उद्योग हो गया, लग्जरी की चीजें जितनी भी आती हैं, है ना, बड़े बड़े बंगले हो गए, गाड़ियां हो गई, इनसे संबंधित यदि कोई कोर्ट में केस चल रहा है, इनसे संबंधित कोर्ट केसों में और कोई भी मामला है तो इनमें आपको कहीं ना कहीं विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में व्यापार करना चाहते हैं। यानी कहा जाए कि आप किसी भी तरह कोई भी आपका मकसद है और आप विदेश में जाके जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये काफी उपयोगी समय रहने वाला है। तो ये समय आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति कराने वाला, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है आपके जीवन में अभी, क्योंकि देखिए आज के समय में ये समस्या काफी आम हो चुकी है कि आप धन तो आगमन कर रहे हैं यानी पैसा कमा तो रहे हैं परंतु वो पैसा खर्च हो जाता है, बे हो जाता है कहीं ना कहीं। ये जो समय है कहीं ना कहीं वो स्थिति से बाहर निकलने के लिए, यानी कि बे की स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको सहयोग करेगा। परंतु ये चीज अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय आप अपने ऊपर जरूर खर्च करेंगे, आप अपने ऊपर खर्च करेंगे और आपको अपने विपरीत का पूरा सम्मान करना है, विपरीत के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण में आपको नहीं आना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। क्योंकि जब शुक्र का संबंध किसी भी तरह आपसे हो जाए, खासकर लग्न से हो जाए, क्योंकि आपके लग्नेश है ये, तो इनका संबंध लग्न से है ही और वैसे भी है, इस वजह से कई बार व्यक्ति अपने आप में ही इतना खर्चा कर देता है कि बैक स्थिति उत्पन्न ना होने के बावजूद भी, यानी कि आप अन्य क्षेत्रों में नहीं बे कर रहे हैं, अपने आप में ही इतना ज्यादा बे कर लेते हैं कि वो कई बार फिर लगने लगता है कि नहीं ये तो बैक स्थिति बन गई है। इसका ध्यान रखिए, ये जरूर है कि आप अपने जीवन में इस समय लग्जरी लाइफ जीने के लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे, उसमें थोड़ा खर्च हो सकता है और उन लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है जो लोग, देखिए पैसा होना एक अलग बात है और उसको जीना, उपभोग करना एक अलग बात होती है। ऐसा नहीं कि किसी के पास, समझिए कि लाखों करोड़ों हैं किसी के पास, परंतु वो उसका उपभोग कर सके, है ना, तो उपभोग करना एक अलग है। तो यदि आप जीवन में लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं या पैसों का सही इस्तेमाल अब आपके हिसाब से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यानी कि संसार में जो सुख है उनका उपभोग आप कर पाएंगे। तो ये समय जो है तो आपके धन में भी वृद्धि करा रहा है, कई तरह के लाभ दे रहा है। तो ये शुक्र का परिवर्तन काफी ज्यादा आपके लिए हितकारक है और जिंदगी में बदलाव करने वाला है। उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे ही आपका कल्याण होने वाला है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत